अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के बारे में। अल्ट्रासोनिक सेंसर ऑपरेट करते हैं एमिटिंग हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स, जिनको अल्ट्रासाउंड वेव्स भी कहा जाता है। द टाइम इट टेक्स फॉर द वेव्स टू रिफ्लेक्ट बैक आफ्टर हिटिंग एन ऑब्जेक्ट, और जो सेंसर होता है ये कैलकुलेट करता है डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द टाइम डिले। टाइम डिले जितना होता है उसके बीच में, यानी कि एक साउंड वेव को वापस हिट करने में जितना टाइम डिले लगता है उससे ये डिस्टेंस को काउंट कर लेता है। एक स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला होता है इसका। अच्छा, इसमें चार पिन्स होती हैं। यहाँ पे एक एको की होती है, इसके अलावा एक ट्रिग पिन होती है, एक ग्राउंड की पिन होती है और एक वीसीसी की पिन होती है। वीसीसी और ग्राउंड की पिन तो किसी भी चीज़ को करंट देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एको और ट्रिक की पिन साउंड वेव्स को एमिट करके और जो ये जो वापस साउंड वेव जो है वो वापस हिट बैक करती हैं उसके लिए इस्तेमाल होती है। इसमें एक ये दो लगे हुए हैं, एक ट्रांसड्यूसर होता है और एक रिसीवर होता है। इसके अलावा एक सिग्नल प्रोसेसर होता है। ट्रांसड्यूसर जो है वो जनरेट करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को, और जो रिसीवर है वो कैप्चर करता है रिफ्लेक्टिव वेव्स को वापस। और सिग्नल प्रोसेसर क्या करता है कि एनालाइज करता है रिसीव्ड सिग्नल्स को ताकि डिटर्मिन कर सके डिस्टेंस और डिस्टेंशन, यानी कि कितना डिस्टेंस है बीच में वो कैलकुलेट करता है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो ये बहुत ही इजी है, ठीक है, और ये बहुत छोटी मतलब एप्लीकेशंस के लिए बहुत इजीली यूज होता है। 5 वोल्ट पे ऑपरेट करता है, बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए बिजली की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा इसको डायरेक्ट हिट करने के लिए मतलब ये हीटिंग से बचाता है ऑब्जेक्ट्स को, या जिस जहाँ पे भी आप इसको लगाएंगे, जिस एप्लीकेशन में आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट या आपका जो मशीन है, जो आपका रोबोट है, वो हिट ना करे किसी चीज़ को, तो वहाँ पे आप इसको लगाएंगे। इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, रियल टाइम जो फीडबैक है और जो डिस्टेंस में चेंज आ रहा होता है वो उसी टाइम रियल टाइम में वो बता रहा होता है। एक्यूरेसी इसकी इतनी अच्छी नहीं होती, समटाइम्स कुछ फैक्टर्स पे ये एनवायरमेंटल कंडीशंस में और बाकी चीजों की वजह से इसकी एक्यूरेसी कभी कभी मुतासर हो जाती है। कैलिब्रेशन समटाइम्स इसकी करनी पड़ती है, आपने थोड़ा सा रेंज देखनी होती है कि कितने रेंज पे क्या हो रहा है और कितने रेंज पे इसकी क्या वैल्यूज हैं, क्या रेशियो है। और इसको आप अदर जो है ना उनके साथ भी, टेक्नोलॉजीज के साथ कर सकते हैं। मोस्टली अगर रोबोटिक्स का नाम लिया जाए तो रोबोटिक्स में ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, एंटी फॉल रोबोट्स में, डिस्टेंस जहां पे आप डिस्टेंस को देखना चाहते हैं या देखते हैं कि आपका हिट ना करे आपका रोबोट किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, वॉल के साथ हिट ना करे, वहाँ पे ये आपका यूज़ होता है। बाकी आप जब इसको कर रहे होते हैं, इसके थ्रू प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो आपने डिस्टेंस खुद बताना होता है प्रोग्रामिंग में कि कितने डिस्टेंस पे आपका जो रोबोट है वो टर्न कर जाए या मूव कर जाए। जो इसकी डिस्टेंस है वो 4 मीटर से 13 फीट तक है, यानी कि 13 फीट तक जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको मेजर करके ये आपको बता देगा कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में काफी सारे यूज होता है इसकी। मतलब अब बाकी यह है कि डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से इसका जो यूजेज है वो डिफरेंट होगा और डिजाइन भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई इसके बारे में क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर पूछ सकते हैं आप। होप सो आपको ये पसंद आया होगी आज की वीडियो। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।